के हाथों होकर रहेगा अन्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। अभी पुरुष रिलीज डेट इंतजार खत्म। इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी आदि पुरुष। नए रिलीज डेट का हुआ ऐलान। इंडिया फिल्म रिव्यू स्वागत है, चलिए हम आगे बताते हैं। पी इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक साउथ अभिनेता प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष की नई रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है। ओम राउत निर्देशित इस फिल्म का टीजर सामने आते ही पूरे देश में बवाल मच गया था। किसी को भी फिल्म VFX से लेकर कलाकारों का लुक पसंद नहीं आया था। ऐसे में मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट को 6 महीने के लिए टाल दिया गया था। हालांकि अब फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी है। दरअसल आज भगवान राम की गाथा को पर्दे पर लाने वाली फिल्म आदि पुरुष के निर्देशक ओम राउत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। प्रभास, कृति, सैफ अली खान और सनी सिंह जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अब 16 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह ऐलान करने के लिए ओम राउत ने एक श्लोक का इस्तेमाल किया है और इस पोस्ट में नीचे लिखा है कि फिल्म को रिलीज होने में अब महज 150 दिन बचे हैं। ओम राउत इस पोस्टर को साझा करते हुए कैप्शन में लिखते हैं, राम काम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम प्रभु राम के गुण प्रदान करने में सदैव प्रसन्न रहते हैं। दुनिया 150 दिनों में भारत के कालातीत महाकाव्य की गवाह बेंगी। आदि पुरुष 16 जून 2023 को रिलीज होगी। आपको बता दें, इस फिल्म के बजट के हिसाब से लोगों को इसके VFX बहुत ही खराब लगे थे। लोगों ने आदि पुरुष के VFX से लेकर प्रभास, सनी सिंह, कृति सेनन के साथ ही सैफ अली खान के लुक को भी जमकर ट्रोल किया था। सैफ अली खान की दाढ़ी पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि फिल्म की रिलीज डेट को इसमें सुधार करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। खैर, आज साफ हो गया है कि जल्द ही एक बार फिर श्रीराम गाथा हमारे सामने बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, आदि पुरुष को बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह और सैफ अली खान अभिनीत यह फिल्म करीब 500 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आदि पुरुष को IMAX 3D में रिलीज किया जाएगा।